संकेश ओ कवन ते बंदर सुवंगत बोली मैं रघुवीर तू तो दस कंदर किसके दूत हो? बोले रघु माने राम और वीर माने छोटा। अयोध्या में छोटे भाई को वीर कहा जाता है, इसलिए मैं राम का दूत नहीं, मैं लक्ष्मण का दूत हूं। बोले कौन लक्ष्मण? बोले जोन की तुम भाषा सुन के 250 की स्पीड पे भागे थे जनकपुर से। हे ध्यान, लखन सकोप बचन जब बोले तो डगमगान महिती कजडो। रावण ने बाणासुर से पूछा, भैया जो कौन आदमी है जी के बोलवे से धरती के अंदर के कमट कोल दिग्गज हाथी कप रहे। बोलिए तुम्हें बाप के बाप है लक्ष्मण जी है, ऐसा ही फनफना जो छत्री है वही को नियम है कि 1.5 मिनट से ज्यादा फनफनात नहीं है। और 1.5 मिनट फनफने और जिसकी तरफ देखेगा उसी को अंत में मार के फेंक देगा। रावण बोली जो तो हमारी तरफ देख रहा यार, माणासुर बोले तो जल्दी दौल लगा बे टेम है बेटा बे 20 सेकंड भाई ज्यादा देर नहीं भाई जितनो दौर सकत हुए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, चापा जानते हो? चापा माने गदबा था बुंदेली भाषा में, भैया चाप लगा के भाग है वहां ऐसी चाप मारी। बोले भैया भागो राम। महाराज बोले तो बोले महाराज तुम्हारे हो तो चलिया, हम तो जा रहे, हम नहीं रुक रहे ऐसे झमेला। लक्ष्मण जी बोले महाराज जो ही रावण है ना जिससे अपनी युद्ध होने लंका में इतना ही निपट ले तो काय खा लंका हैरान हो तेरे है? और वहां जनकपुर की नारिया कहे रघुवीर से, जनकपुर में बड़ा घमासान मचा था, लोग वदेत काहे गारी बताए दे बबुआ, लोग वदेत काहे गारी बताए दे बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, जनकपुर की नारी बता दे बाबुआ, लुकवा देत काहे गारी 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 बता दे बाबुआ। राम कहत नहीं हम नहु देवत, राम कहते नहीं हम नहीं देवत, राम नहीं देते लेकिन सखियां जरूर देती है। जनकपुर की नानिया कहे रघुवीर से, तुम्हारे आंसू तो पैदा होते हैं खीर से। लखन लाल बोले महाराज तला हम यहाँ गरिया ले दो। बोले नहीं आदमी नहीं गरिया। अरे बोले नहीं थोड़ी बहुत। लखन लाल लगे सखियां प्रवीर से,
तुम्हारे यहाँ भी लड़की होती जमी। लगवा देत काहे गारी बताए दे बबुआ, लगवा देत काहे गारी बताए दे बबुआ, लगवा देत काहे गारी। तो वैसे ही आ जाओ जरा, मैं तो कहीं भी चला देता हूँ, मेरी गाड़ी तो नॉन स्टॉप है, चार पांच घंटा में तो पटरी पे आती है। ध्यान देना, अशोक वाटिका पहुंचे अंगद से, कहा कहे लंकेश कवन ते बंदर। अंगद बोले मैं रघुवीर दूत दशकंदर। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश की भी औकात नहीं जो मुझे डायरेक्ट दशकंदर कह सके। अंगद बोले तो तेरे जैसे कुत्तों की भी औकात नहीं जो मुझे बंदर कह सके। क्यों अंगद नाम बाली कर बेटा, मुझे सब युवराज कहते। राज दीन सुग्रीव को अंगद को युवराज। बोले मैं युवराज हूं युवराज, और तूने मुझसे बंदर अंदर कहा तो मैं तुझसे दशकंदर कहूं। रावण बोले अगर हमने एक तमाचा मार दो तो बोले हम थापड़न से पूर दे तुम्हें। खचोर खचोर मारूंगा, बाली का बेटा हूं, कोई एरा खेरा नहीं। रावण बोली अपनी औकात तो देख, तू कितना नीचे बैठो, हम कितने ऊपर बैठे। बोले नीचे बैठे सुखा मतलब हम नीचे हो गए, ये जो जमीन पे बैठो वो जमींदार, जो लकड़ी की चौकी पे बैठो वो चौकीदार, हम लोग तो चौकीदार हैं, तुम लोग जागीरदार हो भैया, आपका चाहत। कई भैया फेर बोले ऊपर बैठने से अगर कोई ऊपर हो जाए ना तो ले अभी बैठता हूँ। स्वांगत ने अर्जेंट अपनी पूछ को सिंहासन बनाओ, और रावण के सिंहासन से ये खात लंबो। बोले ले, हनुमान जी ने सबको कह दिया था पूछ बढ़ाना। तो बैठे बैठे बंदरा पूछ बड़ा उतरे थी अपनी। स्वांगत ने बड़ाई पूछ और रावण के सिंहासन से ये खात ऊपर। रावण बोली यार जो बहुत ऊंचे पहुंच गए। रावण उठा वो पूंछ पे घमूसा मारने को जैसे ही दौड़ा तो जितने लंका के मिनिस्टर थे सब उठ के जान लगे भगे। बोले महाराज जा रहे हम तो। रावण बोले तुम जा कहां रहे? बोले लंका छोड़ के जा रहे। बोले लंका छोड़ के कहां जा रहे? बोले राम जी की जितने बंदरा है उनकी पूंछई में खतरा है, और तुम्हें पूंछई छुवे को अभ्यास। पहला बंदरा आया तुमने पूछ में आग लगा दी। हम लोग कचूटी बोले जिला भर के न लंका की न कम देर से आवाज नहीं होती, और तुमने बेरोई पूछ को ड्रामा करो समझ में नहीं आ रहा है। वो जात हमारी भी कहता है ऐसी अटपटी है, वे तो ठटरी ही भर बांध रहे, हम उनकी लो बांध रहे, हम तो सीधी सीधी करते। सामने आओ, दम है तो मिलाओ हाथ। ऐसे तो लाखों फिर रहे कुत्ता लगे लड़ैया चीर के, नील के वो बन बैठे हैं शेर। हाईलाइट हो गए तो तुम शेर हो गए, हाईलाइट नहीं होते तो तुम चुखरवा तो हते ही थे। अबे चुखरवा ही बराबर हो बेटा, वो तो मीडिया है, किसको हाईलाइट करना है किसको क्या करना है ये हमारे काम का है। दो चार लोगों ने पूंजी लगा दी, और जिन जिन ने पूंजी लगाई वे ही चुनाव हारे, और दूसरा कोई नहीं हारा। चाहे वो पज्जन चाचा हो, चाहे दीचे जी हो,
और चाहे प्रद्युम्न लोधी होए, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी होए, जहाँ जहाँ इनके चरण पड़े सो बनता ही डार हुआ है, बताओ नहीं हुआ? इसलिए ये दरबार सही सही देखो ना तुम, जब तुम इतना भविष्य जान रहा है, एक दिन में लिस्ट बना दो कि भारत में इतने आतंकवादी हैं, जे जे लुके थे, और दन्न दन्न मारो निपटाओ खेल काटा, चूतिया बना रहा है जनता को, साले कितने दिन तक बनेगी ये झूठ? ऐसा मत करो यार, यार हम लोग 5 वर्ष की उम्र से अच्छी तची करा रहे, कथा पुराण वेद सब सीख रखे, तब भी नहीं आदमी सुन रहा हो यार, इन्हें कछु नहीं आ रहा, बोले जहाँ को की नहीं चली होते हम आई चली, अब जबरन चली जो चली। भाई एक पंडित काशी गया, बोले मैं पूरी काशी को हराया, बोले कैसे? बोले हमने को की मानी ही नहीं है। अब तुम 10-20 पोंगा पहले से लेवा फिर रहे गार्ड गनर बना तो का तुमसे बोल रहा हूँ आदमी, तुम तो जो क्या वो बोले। ऐसी बंबई में गुंडों के खिलाफ चला आंदोलन, तो भी बेचारे जाके उनकी महात्मा हो चलो रही, तो टाकीज बुक करी उन्हें प्रवचन देने लगे, और बोले 1100 रुपया टिकट है, बहुत बड़े संत आए हिमालय से, मुंबई वर्ल्ड अंडर वर्ल्ड का नामी डोन था वो, कमंडल में पिस्टल डाले, कताल चल रही, बोले रावण ला आया द्रौपदी का चीर हरण करने लगा। तो एक आदमी उठा, बोले महाराज हमने ऐसी कथा नहीं सुनी, सुनने ऐसी चुटकी बजाई, सुन के 4 करिया कपड़ा पहन के आए, और पछाड़े ले गए इतनी मार दई, और सब पैसा छुड़ा ले, बोले सारे हल्ले नहीं है तुम्हें दे दिन कथा। महाराज जो कह रहे वो ही सत्य है, और उखा तुम्हें सत्य बनाने, जैसे बने तैसे बनाने, सत्य बना दिया। अब फिर बोले महाराज, बोले वाह रामचंद्र जी आयला, उधर से कंस आईला, दोनों में भिड़ंतला। तो एक आदमी पर